अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रहें दुनिया भर की खबरों से बाखबर। रुख करेंगे आरिफाला का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक फूल। पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन मैप को वापडा आरिफाला का, वापडा कंपनियों में प्राइवेट चीफ को तैनात करने के खिलाफ दूसरे रोज भी दफातर की तालाबंदी, कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा। मैपको वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन आरिफाला के डिविजनल चेयरमैन राणा गुलाम अब्बास की जेर क्यादत वापडा कॉम्प्लेक्स आरिफाला में एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर लेबर की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन से खिताब करते हुए चेयरमैन राणा गुलाम अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सब झूठी हुकूमत तब्दीली सरकार की है, जिसके कौलो फेल में वाजा तजाद का अमली नमूना यह है कि मुल्क में मईशत अदम इस्तेकाम का शिकार हो चुकी है। इदारों में बेयकीनी की फजा पैदा कर दी गई है। हुकूमत पॉलिसियों ने वतन अजीज की हर शहरी को महंगाई बेरोजगारी की बंद गली में धकेल दिया। हम वापडा को कभी प्राइवेट नहीं होने देंगे और ना ही प्राइवेट चीफ की तैनाती। अगर ऐसा किया तो महकमा वापडा के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी तब्दीली सरकार पर आयद होगी।